कल काम हो गया ये तो हमारे साथ में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज स्वागत है आपका हमारे फैमिली व्लॉग में। तो गाइज, जैसे कि आपने देखा था कि हम लाइव आए थे, तो लाइव में हमने बताया था कि गाइज हम जा रहे हैं खाटू श्याम, जिसके हमारे आएंगे दो व्लॉग। तो गाइज वो सारा हमने आपको बता दिया था कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। खाटू श्याम जाएंगे, सालासर बालाजी जाएंगे। तो गाइज जिन्होंने हमारे को लाइव में देखा होगा उनको पता भी होगा। तो गाइज अब हम खाटू श्याम के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी और यहाँ पे मम्मी रेडी हो। तो गाइज मम्मी भी रेडी हो गई है और ये हमारा बैग और ये मेरा है हैंड बैग और थैली और ये हमारा बैग और ये है काना जी, इनको भी हम लेके जा रहे हैं। मम्मी ने इनको रेडी कर दिया। हम आ गए थे माता चौक पे जहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं हमेशा, तो हम तो आके खड़े हो गए थे यहाँ पे, लेकिन अभी ये नहीं आए। इनको लगा हम हमेशा की तरह लेट आएंगे, तो फिर ये किसी की दुकान पर बैठ गए और आज हम जल्दी आ गए, तो फिर आज ये नहीं आया था। अभी मैंने इनको फ़ोन किया था कि जल्दी आओ, हम माता चौक पर खड़े हैं। तो गाइज अब हम इनका कर रहे हैं वेट और ये खड़े थक गए थे इसलिए ये बैठ गए। तो गाइज ये रही दोनों मम्मी और बोरे पापा, इनका यहाँ पे भी सामान नहीं सिमटने को आ रहा। तो गाइज जैसा कि हम 10 बजे निकले थे घर से और फिर हम जब हम घर से निकले तो वहाँ से हम कॉन्टिन्यू चल ही रहे थे। उसके बाद हम रुके हैं, अब पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे बस हम 5 मिनट के लिए और अब जैसे कि टाइम हो चुका है 12 और हम रुके हैं यहाँ पे खाने के लिए। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो ये हम रेस्टोरेंट टाइप कुछ ढाबा है यहाँ पे रुके हम खाना वाना खाने के लिए। पे देख रहे हैं मेन्यू क्या मंगाना है। तो गाइस ये बोल रहे हैं कि तुम अपना देख लो तुम्हें खाने का क्या खाना है, मैं तो अपनी कॉफ़ी मंगाऊंगा। गाइस इन्होंने ड्राइव करनी है इसलिए अपनी एक कोल्ड कॉफ़ी मंगाएंगे और रोटी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे से ही खा लूँगा अगर मेरे को खानी होगी तो। गाइस देखो मेन्यू में दाल देखी है हमने, दाल सोच रहे हैं और रोटी देखी है, देखते हैं क्या मंगाएंगे, जो मंगाएंगे आप दिखाएंगे। तो गाइस खाने में हमने ऑर्डर किया था दाल बटर रोटी चटनी। तो गाइस खाना तो बहुत टेस्टी है, दाल भी बहुत टेस्टी है और रोटी भी बिल्कुल सॉफ्ट है बटर रोटियाँ। तो गाइस यहाँ पे ये लेके आए थे अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। कहाँ गई कॉफ़ी का आपकी? मैं नहीं पी रहा। मैं नहीं पीता, मैं दिया है। तो गाइस इन्होंने कॉफी ली थी बर्फी के लिए और गाइस मैंने ली थी अपने लिए ये मलाई कुल्फी। यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं और हमने खाना खा लिया या? और एक चाय और करवा दो। तो गाइस खा के देखेंगे आइसक्रीम कैसी है। तो गाइस ये देखो अंदर भी शॉप है और हमने ली थी कुल्फी और कॉफी जो हमने आपको दिखाई थी और यहाँ से देख लेंगे कुछ खाना जी के लिए। मैं देख लूँ बिस्किट लेना या कुछ और लेना है, ठीक है। तो गाइस एक बार देख लेते हैं यहाँ से कुछ खाने का। तो गाइस यहाँ से मैंने ली थी एक क्रंची और एक मूंग दाल खाना जी के लिए। कितने राजी हो देख के। तो गाइस अब हम रुके थे यहाँ पे होटल में, क्यों गाइस इनको मिल गया वहाँ पे हुक्का जिसकी ये वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, तो ये वहाँ पे बैठ गए हुक्का पीने के लिए। मेरे को मिल गया यहाँ पे झूला, फाइनली रूम मिल गया हमारे को। बहुत जगह पे गए पर सारी जगह पे रूम बुक हो रखे थे, बड़े बड़े रूम थे सारे और फाइनली अब हमारे रूम मिल गया। ये देखो ऐसा रूम है, नया ही बना था यहाँ पे, मतलब ये तो ऐसा कुछ है रूम। बाहर बालकनी है और दो बेड हैं और वहाँ पे है वॉशरूम। मम्मी जा रही है नहाने फिलहाल, कपड़े निकाले हैं उसके बाद फिर जाऊँगी गाइस नहाने में, उसके बाद फिर सारे नहा धो के निकलेंगे फिर उसके बाद दर्शन के लिए, उसके बाद फिर हम पीछे जाके चाय वाय पियेंगे दर्शन वगैरह करेंगे। जब हम हो चुके थे नहा धो के रेडी, फटाफट सारे नहा लिए थे और मैं अभी यहाँ पे नहा धो के होगी रेडी। ये वाला मैंने नाला है सूट और यहाँ पे हो गया है मम्मी रेडी, यहाँ पे मम्मी, यहाँ पे पापा और ये चले गए हैं नीचे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है बाहर। जैसे यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस देखो फिलहाल यहाँ से तो खाली दिख रहा है पर आगे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती जा रही है और धूप भी देख लो गाइस कितनी तेज़ हो गई है। गाइस सामान देखो कितने सारे लगा हुआ है अलग अलग तरीके का। तो अब हम चल रहे हैं नीचे, नीचे जाके बेबी चाय पियेंगे। इसमें डाल दो पर्स नहीं, जब तुम्हारे फोन में कवर बना रहे पर्स कैसे ले जाओगे। और नीचे जाके चाय वाय पियेंगे या फिर देखेंगे जैसे जो भी होगा और उसके बाद फिर सीधा दर्शन के लिए जाएंगे और जब दर्शन करके आएंगे उसके बाद फिर हम खाना नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ते में क्या कुछ खाएंगे, बेबी कचौड़ी खाएंगे इनको मिल गई तो। तो गाइस ये मम्मी ने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को रेडी कर दिया है। ये रही मम्मी, मम्मी
तो गाइस अब हम चलते हैं नीचे, निकलेंगे जो भी क्या मेरी रूम आपको दिखाएंगे। तो गाइस रूम में से नीचे आ गए थे और अब हम जा रहे हैं चार जगह, अभी हमने फिलहाल नहीं की। अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। ये देखो गाइस कितनी भीड़ है, अभी तो हम सुबह सुबह ही आए हैं 7 बजे और फिर भी देख लो कितनी भीड़ है। तो गाइस ये हमने लिया था पीछे से वहाँ से फूल, और ये हम ये तो दो बाबा पे चढ़ते हैं और एक एक मन्नत के लिए घर लेके जाते हैं, और अब जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए। यहीं से भीड़ है, चाय ना है। तो गाइस यहाँ पे रुकते हैं चाय पीने के लिए, बट यहाँ पे चाय नहीं है, यहाँ पे तो देखो गाइस मिल रहा है इलायची वाला केसर वाला, तो यहाँ पे चाय नहीं आती। यहाँ पर पापा 10 मिनट की बात है, आ जाओ। मैं 10 मिनट की बात है, आके पी लेंगे। कितनी बढ़वानी है? बस दो। तो गाइस यहाँ पे है ये दुकान चाय की, समोसे वगैरह नाश्ते वगैरह की, तो यहाँ पे ये बनवा रहे हैं चाय 2 कप। तो गाइस हर जगह पे कान्हा जी के कपड़े मिल रहे हैं, हर जगह पे फूल मार्केट लगी हुई है, और यहाँ पे मम्मी ने भी लिया था फूल और मैंने लिया। ये हमने इसलिए पेड़ का प्रसाद हमें लिया वहाँ से पेड़ का प्रसाद बाबा पे चढ़ाने के लिए, और चाय वहाँ पे बन गई थी, और फिर मम्मी पापा खा रहे थे कचौड़ी, इनको भूख लग रही थी तो इसलिए ये फिर कचौड़ी खा रहे थे। बाबा के दर्शन करने भाई देखो कितनी पब्लिक आ रही है यहाँ पर भी। चल दिए भाई प्रसाद, प्रसाद हमने ले लिया था, वो आपको दिखा दिया है, प्रसाद ले लिया चलते आगे। तो भाई आज रास्ते आ चुके हैं, ये मम्मी, ये जुवेल, ये मम्मी पापा जुवेल के। तो आज रास्ते आ चुके हैं भाई, ये भाई यहाँ पे प्राचीन मंदिर, हमने तो प्रसाद ले लिया है पर मम्मी पापा ने प्रसाद नहीं लिया अभी, ये अभी प्रसाद लेंगे। पापा हमारे आगे, ये रे आगे, जय जय जय। तो भाई आ चुके हैं आपके सामने, ये देखो टक्कर लाल जी। खाटू श्याम बाबा की प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय। तो गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो ये हो गई कि हम लाइन में लगे हुए थे, भीड़ थी बहुत ज्यादा, तो पीछे हमारे को पता नहीं चला, तो पापा की जेब में से पीछे पैसे थे थोड़े बहुत, नहीं थे बहुत ज़्यादा थे, वो 10,000 थे, तो वो पापा की जेब में से यूं पीछे से किसी ने निकाल लिए, लाइन में हम लगे हुए थे तो वो यूं पीछे से किसी ने निकाल लिए, पता नहीं चला बिल्कुल भी, पैंट का बटन खोला तब भी पता नहीं चला बिल्कुल भी, और फिर अब पापा ने लाइन में लगते हुए चेक किया तो देखा पापा के पैसे नहीं है, तो गाइस बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो गाइस प्लीज़ आप लोग प्रे करो कि वो पैसे मिल जाए वापस उनके, क्योंकि गाइस हम बाहर आए हुए हैं, देखो बाबा के घर पे, और फिर कल काम हो गया ये तो हमारे साथ में, तो अभी हम
पीसी शर्मा का एक मोबाइल भी दिया है। मोबाइल से पीसी शर्मा को उसका मोबाइल को पुलिस थाने में पहुंचाने का प्रयास करें। तो गाइस बहुत ज्यादा भीड़ है, उसमें से पता नहीं लगता कि मोबाइल वगैरह चोरी हो जाए या फिर पैसे वैसे चोरी हो जाए, हमारे को पता नहीं लग रहा, बिल्कुल पता नहीं लगता बिल्कुल भी। तो गाइस अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है कि एक फोन भी चोरी हो गया। तो गाइस मैं आई थी रूम में अपना सामान बैग पैक करने के लिए, जो भी सामान खरीदना हुआ था, क्योंकि अब हम गाइस रूम पर रहे खाली। रीज़न तो हमने आपको बताया दिया अपने व्लॉग में। तो हमारा प्रोग्राम तो वैसे था सारा सिर्फ बालाजी का, बट हमने वो सारा प्रोग्राम आगे का कैंसिल कर दिया और अब हम सीधा घर के लिए निकल गए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, एकदम मूड ख़राब हो गया। तो रास्ते में देखेंगे कहीं कुछ खाएंगे, रुक के नाश्ते वगैरह चाय वगैरह पियेंगे। और अभी फ़िलहाल हम रूम खाली करने के लिए आए थे, यहाँ पे बैग पैक हमने कर लिए, मम्मी और नीचे ही बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, ये भी मेरे साथ में आए थे। तो गाइस चलो चलते हैं।